वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए स्वीप चमोली ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने आगामी लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप टीम का गठन किया है और इस टीम में विशेष रणनीति के तहत मतदाताओं को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें युवा मतदाता, महिला मतदाता, दिव्यांग मतदाता और वृद्ध मतदाता शामिल किए गए हैं। इसी क्रम में स्वीप के सह समन्वयक प्रोफेसर डीएस नेकी ने बताया है कि मतदाता जागरूकता के लिए अभी तक लगभग विभिन्न विद्यालयों और संस्थानों में 50 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जागरूकता रैली, निबंध, भाषण समेत नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं। तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय गढ़वाली भाषा में जिंगल, गाना, नारे तैयार कर आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। चमोली से संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। हमने पूरे जनपद को चार भागों में बांटा है, जिसमें प्रमुख रूप से जो हमारे पहली बार के प्रथम बार के जो मतदाता हैं उन पर हम खास तौर पर फोकस कर रहे हैं। हमारी महिला मतदाता हैं उनको फोकस कर रहे हैं, दिव्यांग मतदाता हैं और जो वृद्ध मतदाता हैं इनको लेकर के हमने रणनीति बनाई है। और हमने पूरे जनपद चमोली में जो इंटर कॉलेजेज हैं जहाँ पर पिछले चुनाव में लो वोट परसेंटेज आया है उसमें हमने 72 इंटर कॉलेजेज हैं वहाँ पर गठन किए हैं। हमारे पास 10 डिग्री कॉलेजेस में हमने कैंपस एम्बेसडर बनाए हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक हमारा नर्सिंग कॉलेज है, 6 पॉलिटेक्निक हैं और 6 ITIs में हमने कैंपस एम्बेसडर बनाए हैं। और हम इनके माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें रैली है, मतदाता रैली है, बाइक रैली है, हम नुक्कड़ नाटक करवा रहे हैं,